18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ, नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी ली शपथ। नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। टीम ने बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा समेत की जांच। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ओबीसी वर्ग के लिए की बड़ी घोषणाएं। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। और हरियाणा से अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की हो रही है जांच। कैथल से भंडारे की सेवा के लिए श्रद्धालुओं की जत्था रवाना। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के लोकसभा सदस्यता के शपथ लेने के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, डॉ मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल सहित अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुर्जर ने भी लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं इंद्रजीत सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं कृष्ण पाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया भव्य और शानदार ढंग से संपन्न हो चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने
अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से उचित आचरण करने की आशा करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि 18वीं लोकसभा के सांसद आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की, विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। नीट यूजीसी के पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम आज बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में जांच के लिए पहुंची। इस मामले में गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिससे संबंधी कागजात पुलिस सीबीआई को सौंपेगी। नीट में गड़बड़ी को लेकर जो तमाम दावे और खबरें पूरे देश से सामने आ रही थी, हर उस खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम देश के विभिन्न राज्यों में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। अभी तक अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने व एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज पहली बैठक हो रही है। मंत्रालय ने बीते शनिवार को एनटीए के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके। नीट यूजीसी परीक्षा के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। सरकार ने देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई कदम उठाए हैं। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि सरकार द्वारा जाने माने विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, यूजीसी और सभी लोग हमारा मन में हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य के बारे में टॉप प्रायोरिटी हम दे रहा है, और ये एग्ज़ाम्स को हम ट्रांसपेरेंट फेयर मैनर में कंडक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ब्रॉट आउट ए न्यू एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। जो अनस्क्रुपुलस एलिमेंट्स जो हमारा एग्जाम सिस्टम से नो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, इस लोगों को 1 करोड़ तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल तक जेल में रख सकते हैं। एक्स कमिटी को हम गवर्नमेंट ने बनाया, ये कमिटी हर एक एंगल से ये पूरा प्रक्रिया को देखेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों व विधायकों के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की करीब 500 वर्ष पुरानी मांग को मूर्त रूप देने का काम किया है। हमने भगवान श्री राम से देश व प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की है। इस स्थान के ऊपर आकर के एक शांति का भाव यहाँ पर मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर आकर के वो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। आज हमें भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य और दर्शन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इतने लंबे वर्षों से हम प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। भगवान श्री राम की ये जन्मभूमि, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का एक प्रकाश पर्व हुआ,
भगवान रामलला के भव्य दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान रामलला जो 500 वर्ष तक एक ढांचे के नीचे दबे हुए थे, उनको भव्य मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो करने का सौभाग्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश को दिया गया, पूरी दुनिया को दिया गया, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने सब ने अपनी आँखों से भगवान रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो हमने एक सीन देखा, भव्य सीन देखा। और मैं समझता हूँ कि ये रामलला की केवल मूर्ति नहीं, ये सनातन का गर्व है, सनातन का गौरव है। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए कल मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज के दिन नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में ये क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। वे कल गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा द्वारा आयोजित ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार निरंतर योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देने का काम कर रही है। ओबीसी को संवैधानिक शक्तियां दे दी गई, और भाइयों ओबीसी आयोग संवैधानिक शक्तियां ही नहीं मिली, अब ओबीसी समाज के बच्चों का भाइयों एमबीबीएस की सीटों में 27% का अधिकार ओबीसी समाज के बच्चों को मिलना शुरू हो गया है। ओबीसी समाज के बच्चों को चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे नवोदय विद्यालय है, चाहे केंद्रीय विद्यालय है, उसके अंदर भी 27% का भाई आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। और ओबीसी समाज का 27% का अधिकार है अपने मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज के मंत्रियों को जगह देने का। पहली बार काम अगर किसी सरकार ने किया है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश का नूह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत निरंतर विकास योजनाएं उक्त जिला में प्रदान की जा रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, और 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना आवश्यक है। UIDAI ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर फ्री में आधार कार्ड अपडेट की तारीख बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नागरिक स्वयं भी UIDAI.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी CSC व आधार सेंटर पर जाकर आधार अपडेट करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आमजन से आह्वान किया है कि जिन लोगों ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है वे जल्द अपडेशन करवा लें, ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी योजना का लाभ लेने व अन्य किसी प्रयोजन में परेशानी व समस्या का सामना न करना पड़े। 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे देश के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिले के श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाने के बाद चिकित्सा जांच सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हर हर महादेव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष यादव गर्ग ने बताया कि उनकी समिति द्वारा पंजाब और हरियाणा में यात्रियों का पंजीकरण करवाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के जिला मुख्यालय पर श्रद्धालुओं की सभी चिकित्सा पड़ताल के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, जो भी अपना अमरनाथ जाना चाहता है उसके लिए पंजीकरण करवाना हो, वो शिव अनाज मंडी शिव मंदिर में ऑफिस है तो वहां आके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाया जाएगा, और वो जाना चाहता है किसी प्रकार की उचित सहायता चाहता हो तो
तो वो भी हर हर महादेव सेवा मंडल ब्रांच रतिया करेगी। पारम ये फतेहबाद में डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है इन्होंने, श्राइन बोर्ड ने, वही डॉक्टर साइन करेगा। तो उसके लिए उसको मेडिकल फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, एक ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट लेके आनी। कम से कम मेरे थ्रू तकरीबन 250 फॉर्म चला गया। श्री अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए काफी उत्सुक हैं। वे पहले भी कई बार श्री अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार सरकार ने जो वहां पर सुरक्षा तथा दर्शनों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, वह उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वे 29 जून से पूर्व वहां पहुंचकर बालटाल पर भंडारा लगाएंगे। और मेरे को जाते को बाबा की कृपा से 2 साल हो गए। अब जब से मेरा थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ, भाई पर शादी हुई है, तो उसके बाद मैंने बाबा की कृपा से मैं नहीं जा सका। तो इतना वहाँ शब्द मिलता है और हमारा बालटाल में लंगर लगता है, लंगर में इतनी बनाई जाती है बस चीज़ें, कह नहीं सकते आपको, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। शादी में इतना प्रोग्राम होता है जितना वहाँ हमारे बाबा के लंगर में प्रोग्राम चलता है। तो मैंने तो एक बेनती लगा के बाबा के, मेरा तो आखिरी सांस है के बाबा एक बार मेरे को बुला ले। जो यात्रा शुरू हो रही है ना 29 जून से शुरू हो रही है और जब तक बाबा की कृपा होगी इतने चलेगी, और रजिस्ट्रेशन शुरू है। जो भी भाई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो तो शिव मंदिर अनाज मंडी रखे में पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन कराए। यात्रा से हर प्राणी को अच्छा लाभ मिलता है, वहाँ प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग बनता है, और जो कबूतर अमर हुए थे वो भी देखने को मिलते हैं। अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कैथल का बर्फानी सेवा मंडल आज शोभा यात्रा के साथ रवाना हुआ। सेवा मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र गर्ग बिट्टू ने बताया कि भोले बाबा की अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 माह तक लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हम वहां जा रहे हैं। संस्था द्वारा भक्तों की सेवा के लिए विशाल भंडारा लगाया जाता है और उन्हें निःशुल्क सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि भक्तों की सेवा करने से भोले बाबा खुश होते हैं और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनकी संस्था को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 1995 में हमने पहला विशाल भंडारा चंदनवाड़ी में बर्फानी सेवा मंडल की ओर से लगाया, और पहले विशाल भंडारे में वहां के गवर्नर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर केवी किशन राव के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। लगभग 25 वर्षों से लगातार बर्फानी सेवा मंडल कैथल हरियाणा शिव भक्तों के लिए, बाबा अमरनाथ जी यात्रियों की सेवा के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था बाबा अमरनाथ यात्रियों को होती है उपलब्ध करता आ रहा है। संस्था के महासचिव सत्यनारायण व सदस्यों ने बताया कि वे अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे वहां जाकर भोले बाबा से सभी के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। जम्मू कश्मीर बालटाल में लंगर तो लगाएंगे, हजारों लाखों यात्रियों की सेवा करेंगे। जैसे भूखे को प्यासे को पानी का अर्थ है, भगवान श्री भोलेनाथ ने प्रार्थना की थी कि हर भूखे को कन्नो प्यासे को पानी मिलेगा, और वो हम भी जाता है अरदास करके जाता है, और वो हमेशा जो अपन तब होता है वहाँ पर जाने वाला कभी कोई भी खाली नहीं आता। 20 सालों से ये बाबा बर्फानी का भंडारा यहाँ से जा रहा है और कैथल की जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। मैं तो बाबा बर्फानी से यही प्रार्थना करूँगी कि ये सब भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही हम सब मिलकर सेवा करते रहे। हर साल भंडारा लगाते हैं, बड़ी खुशी की बात है। सभी श्रद्धालु वहाँ पे अमरनाथ पहुँचते हैं, बालटाल में पहुँचते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिल बड़ा खुश होता है, हमारी संस्था ऐसे ही चलती रही, दिन दुगनी रात दुगनी करते हैं। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। पलवल जिला न्यायालय परिसर में वकीलों ने नए कानूनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नए कानूनों से लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। पलवल जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुनील डागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आईपीएस
सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए क्रिमिनल कानून बनाए हैं। नए कानून के तहत आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा है और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। बहुत जरूरी है और सरकार ने जो फैसला लिया सोच समझ कर बहुत बढ़िया लिया है। इसमें जो नए कानून है इसमें पहले इंडियन पेनल कोड था उसकी जगह भारतीय दंड संहिता बनाया गया है। सीआरपीसी था पहले उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 106 धारा थी वो होल्ड पे है अभी और 358 जो धारा हैं उसमें 20 धारा जो है नए उसमें अपराध जोड़े गए हैं जो कि बहुत जरूरी थे। एडवोकेट राजेश भारद्वाज व सतीश डागर ने बताया कि नए कानूनों में 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। इसके अलावा 83 ऐसी धाराएं हैं जिनमें जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है जबकि 23 धाराओं में न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, उनमें न्यूनतम सजा शुरू की गई है। वहीं 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है जबकि पहले ये नहीं था। नए कानून देश हित में है, इससे लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा। चेंज किया, जो धाराएं बेकार ऐसी थी उनको डिलीट कर दिया और जिन धाराओं की जरूरत थी उन धाराओं को इसमें बढ़ा दिया और न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा को भी फिक्स कर दिया है। पहले कुछ धाराओं में न्यूनतम सजा का प्रावधान ही नहीं था। 100-150 साल में जो जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है, अपराध में भी आधुनिकीकरण हुआ है, तो उन्हें रोकने के लिए नए कानूनों की जरूरत थी और जो सरकार ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और ये नए कानून भी जनता के हित के ही बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, नवनियुक्त सांसद वरुण मुलाना ने कल देर शाम पंचकुला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे पूरे जोश से तैयार रहने को कहा। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि अगर जनहित की जनप्रिय सरकार बनानी है तो अगले 3 महीने घर नहीं बैठना है बल्कि जनता के बीच रहना है। उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज, 2 लाख तक युवाओं को पक्की नौकरी, 6,000 मासिक वृद्धा पेंशन, ओपीएस और 500 रुपए में सिलेंडर देगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार अल्पमत में है। अभय सिंह चौटाला द्वारा उन पर भाजपा के साथ मिलीभगत के लगाए आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभय सिंह स्वयं की पार्टी को संभाल लें। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा दिए बयान पर उन्होंने कहा कि इस पर सांसद स्वयं स्पष्टीकरण देंगे। ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों का, छत्तीस बरादरी बंद बढ़ा चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। जयप्रकाश जी अच्छा होगा, अभय चौटाला जी अपना पार्टी है उसको संभाल लें, कहां से कहां हुए कहां तराता में पहुंचे हुए अपनी स्पष्टीकरण दे चुके वो दे देंगे। लेकिन जहां तक सवाल है विरासत का, चौधरी बंसी लाल है या और कोई बड़े नेता, महात्मा गांधी की देश विरासत है, हरियाणा उनको विरासत है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि अंबाला के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में शानदार काम किया है। उन्होंने जिस एकता और मेहनत का परिचय इस चुनाव में दिया उसे विधानसभा चुनाव तक यूं ही बरकरार रखना है। अंबाला की जनता ने बीजेपी के अहंकार को हराकर कांग्रेस की नीतियों और संविधान को जिताया है। पहले से 19.5% हमारा वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का 11.5% वोट घटा। जहां पहले 10 विधानसभा में हमने ले ली थी, इस बार हमने 26 विधानसभा में ले ली है और जहां भारतीय जनता पार्टी ने 79 विधानसभा में ली थी वो आज 44 विधानसभा में ली हुई है। ये तो बांग्ला सारे देश में कर रही थी, इस पर आपने दबाव बनाने का काम किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है।
ये सेवा की है आपके देश के लिए, ये सेवा की है। आज आप देखते राज्य सरकार ने क्या कुछ खुली कि जो 10 साल से आपको खून के आंसू बहवा रही थी। हिसार में कल इनेलो की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद हमने प्रदेश के सभी जिलों में मीटिंग रखी थी, जिसमें आज 20वें जिले में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रत्येक क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने की सलाह दी गई है। अभय ने कहा कि लोकसभा चुनाव मोदी बनाम इंडिया गठबंधन का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार उतारे, इसलिए भाजपा 5 सीटें जीत गई। उन्होंने कहा कि हुड्डा पर भाजपा के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ हुड्डा राज्यपाल से मिलकर सरकार अल्पमत में बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब राज्यसभा के चुनाव की बात आती है तो वे कहते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। आज भी हुड्डा जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। ये राज्यसभा का चुनाव है, एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव जाता है सरकार के खिलाफ, गवर्नर से मिलके कहते हैं अलग तक में आ गई, और राज्यसभा के चुनाव की जब बात आती है तो कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तेरे पास है, तो फिर तू राज्यपाल के पास क्यों गया? फिर ये बात क्यों कहता जाके कि अलग तक में, अगर नंबर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते? इसका मतलब आप भाजपा की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। आज भी भाजपा से डरा हुआ है, अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं उनसे डरा हुआ है। आज भी मुकदमों का आप जिक्र करो इसके आगे, इसका फेस देखने वाला होता है, शक्ल के हाव भाव बदल जाते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से मधुमक्खी पालन पर 3 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान भी भाग ले रहे हैं। कीट वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खियां हमारी फसलों में पॉलिनेशन करके फसल की पैदावार को बढ़ाने का काम करती हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेने के बाद में किसान अपना मधुमक्खी पालन शुरू कर पाएंगे और अन्य युवाओं को भी प्रेरित कर सकेंगे। तीन दिन में हम इनको मधुमक्खी पालने के लायक बना देते हैं, जो भी बेसिक सी बातें होती हैं जो हम इनको सिखा देते हैं। और मधुमक्खी पालन आपको पता है कि आज के टाइम में खेती के साथ साथ जो दूसरे व्यवसाय हैं उनमें एक मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। और मधुमक्खी पालन से क्या है कि हमें शहद मिलता है, शहद के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी मिलते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं हमारी फसलों की जो पैदावार हैं उसको ये पोलिनेशन के द्वारा बढ़ाने का काम करती हैं। तो यहाँ से जो ये फार्मर ट्रेनिंग करके जाएंगे उनको मधुमक्खी पालन के बारे में पूरा हम जानकारी देंगे और ये जाकर के अपना अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, और जिससे आप ये अपने फार्म में जो फैमिली इनकम है उसको तो बढ़ा ही पाएंगे। वहीं प्रशिक्षण लेने आई महिला किसान ने बताया कि यहां आने के बाद पता चला है कि मधुमक्खी पालन में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद भी तैयार करके अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। किसानों ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान मधुमक्खी पालन की संपूर्ण जानकारी दी गई है, साथ मार्केटिंग के बारे में भी बताया गया है। इस ट्रेनिंग में आने के बाद सबसे मेन और एक नई जानकारी मेरे को ये मिली कि बी कीपिंग करने वाले फार्मर के साथ साथ जो बाकी किसान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। उनकी फसल का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 15-20% तक बढ़ जाती है। तो यहाँ के मेरे को ये पता चला कि किसानों को भी बी कीपर के लिए सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भी फायदा है। कि मधुमक्खी पालन से ना केवल शहद, हमें मोम भी मिलता है, प्रोपोलिस भी मिलता है, जेली भी मिलता है, पोलन भी मिलता है। काफ़ी नई जानकारी मिली, ये भी पता लगा कि पोलन फूड की तरह से, प्रोटीन फूड की तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, और इसकी जेली जो है वो भी कई बीमारियों का इलाज करने में काम आती है। हमें तो अभी तक यही पता था कि मधुमक्खी से केवल शहद ही मिलता है, लेकिन आज इस ट्रेनिंग के बाद हमें पता चला कि इससे शहद नहीं, इससे हमें प्रॉफिट के लिए 2-3 चीज़ें और मिलती है, जिससे एक किसान को अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके
एक्स्ट्रा कमाई कर सकता है। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।